हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम कवर करेंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस एमसीक्यू वाइज विथ फैक्ट अबाउट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन एमसीक्यूज, आपको मैं क्लियर कर दूँ, जो हमारे अल्फ्रेड टेनिसन, इनको इनके नाम काफ़ी बनते हैं, उससे भी क्वेश्चंस अल्फ्रेड टेनिसन यही हैं। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन इन्हें ही कहा जाता है। लॉर्ड की इनको उपाधि मिली थी, वो कब मिली, इनकी बायोग्राफी का भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन्हें ही कहा जाता है। फर्स्ट बैरन टेनिसन ऑफ एल्डवर्थ भी यही है हमारे अल्फ्रेड टेनिसन। और स्टूडेंट्स, ये हमारे विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं। बर्थ है इनका 1809 to 1892। के अर्थर हैलम जो इनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी ही मेमोरी में इन्होंने बहुत ही फेमस एक अपना वर्क लिखा था, एलर्जी लिखी थी, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। इन्होंने एक इंग्लिश लिटरेचर में एक नई अपनी जगह बना ली थी इन मेमोरियम, जो कि वो वर्क है इनका। सो स्टार्ट करेंगे हमारे सारे क्वेश्चन और फैक्ट टू फैक्ट सारे आंसर्स हम देखते चलेंगे। क्वीन विक्टोरिया स्टूडेंट्स, जैसे कि आप टेनिसन हम पढ़ रहे हैं, तो इनके उन इस समय दैट टाइम इन इंग्लैंड किसका शासन था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये नहीं कहना है कि वो हमारे सिलेबस से बाहर है, ठीक है। तो ये जो क्वीन विक्टोरिया थी दैट टाइम, विक्टोरियन एज है, इसीलिए क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर ग्रीफ फ्रॉम वन ऑफ टेनिसन्स पोएम। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम? क्वीन विक्टोरिया ने काफ़ी जो है रिलेट किया था उनके ग्रीफ को, इनका जो पोएम जो इन्होंने लिखी थी, तो वो इनकी इन मेमोरियम पोएम ही है स्टूडेंट्स, जो कि इन्होंने अर्थर हालम की डेथ के बाद लिखी थी उन्हीं के लिए याद में। अर्थर हालम जो थे इनके बेस्ट फ्रेंड थे, जिनसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मिले थे 1827 में, और इनकी डेथ हो गई थी 1829 में, तो इसलिए इन्होंने इनके लिए लिखा था इन मेमोरियम। ओके सॉरी, हैलम की डेथ 1833 में हुई थी स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और बाकी जो हमारे वर्क हैं ये भी नहीं की हैं, क्रॉसिंग द बार एंड ऑल। सर बेडीविल फिगर्स इन द पोएम, इनके ये जो है फिगर है या कैरेक्टर, इनकी किस पोएम में है स्टूडेंट्स? तो करेक्ट आंसर इज मॉटर डी अर्थर। मॉटर डी अर्थर जो इनका वर्क है टेनिसन का, उसके हैं ये मेन कैरेक्टर। प्रिंसेस भी इनका ही वर्क है स्टूडेंट्स, प्रिंसेस जिसमें इन्होंने वुमेंस राइट्स के लिए काफ़ी बात की है। टू विच एज डिड टेनिसन बिलोंग, किस एज को बिलोंग करते हैं, बहुत ही सरफेस का क्वेश्चन है। द एज ऑफ विक्टोरिया को बिलोंग करते हैं। एज ऑफ विक्टोरिया का टाइम पीरियड है 1837 to 1901। विक्टोरिया एज का टाइम भी, तो जैसे लिटरेचर में हमारे एजेस हम पढ़ते हैं, तो विक्टोरियन एज। और स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि विक्टोरियन एज को एज ऑफ टेनिसन भी कहते हैं। ये मैंने इसका एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारी एजेस समझाई हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब ये मिल्टन एज क्या है, अब ये टेनिसन एज क्या है, इस तरफ उसको रोमांटिक एज लिखा होता है, वर्ड्सवर्थ की एज को, विक्टोरियन एज को टेनिसन एज लिखा होता है, तो ये एक ही होती है। बट उस एज में ये कितने ज़्यादा, कौन सा पोइट या राइटर फेमस हुए, उसके नाम से ही उसको भी उस एज को पुकारा जाने लगता है। तो एज ऑफ विक्टोरिया टेनिसन एज एक ही है, ठीक है, तो ये इसको बिलोंग करते थे। क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर, किसके बाद क्वीन विक्टोरिया आई थी थ्रोन पे, यानी कि राजगद्दी पे, किसके बाद बनी थी? तो आंसर इज विलियम फोर, और इनके विलियम फोर थे, उनके बाद हमारी क्वीन विक्टोरिया बनी, एंड उनके बाद हमारे बने थे एडवर्ड सेवन। जैसे सक्सीडेड पूछा है ना, सक्सीडेड, तो अगर प्रेसीडेड पूछ लें बाद, उनके बाद, अब ये इनके बाद कौन आया क्वीन विक्टोरिया के बाद, तो एडवर्ड सेवन आए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन वॉज सेलिब्रेटेड इन। तो क्वीन विक्टोरिया के क्वेश्चन बनेंगे बिकॉज एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया है एंड टेनिसन हम पढ़ रहे हैं, तो जिसमें कोई गलत नहीं है ये, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है 1887 में ये क्वीन विक्टोरिया का जो रेन है, शासन है, उसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेनिसन आइडियलाइज्ड मैरिड लाइफ इन, अपने किस वर्क में मैरिड लाइफ का इन्होंने थीम बना के लिखा है अगर हम नॉर्मली बात करें तो? सो द आंसर इज द मिलर्स डॉटर। द मिलर्स डॉटर इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो इनके वर्क हैं, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। मॉड जो कि इसका इनका फेवरेट वर्क कहा जाता है, एंड ये एक मेलोड्रामा है, एंड मिलर्स डॉटर में इन्होंने मैरिड लाइफ को आइडलाइज किया है। टेनिसन जनरली पोर्ट्रेज वीमेन एज,
तो विमेन को कैसे पोर्ट्रेस किया, ये इसलिए क्वेश्चन बन रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट राइटर ऑथर पोइट कहीं विमेंस को काफ़ी वीक बताते हैं, कोई बहुत पावरफुल बताते हैं, कोई डिपेंड बताते हैं, सो इसीलिए क्वेश्चन बन रहा है। इन्होंने जेंटल एंड रिफाइंड करके इसको इनको पोर्ट्रे किया है विमेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैनिसन्स एनक गार्डन, ये इनका अर्डन सॉरी ये इनका वर्क है, एनक अर्डन, इसकी फॉर्म पूछ ली गई है, तो आप इसको यहाँ फोकस करें कि वर्क जो भी होते हैं उनकी फॉर्म समय याद रखनी है कि कौन सी फॉर्म है इस वर्क की। पोयम भी है तो पोयम में क्या है, लिरिक है, बैलेड है, क्या है, सोनेट है। तो टैनिसन्स एनक अर्डन इज अ नरेटिव पोयम, ये एक नरेटिव पोयम है। द टाउन मैंशनड इन द पोयम द लेडी ऑफ शैलोट बाई टैनिसन। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क इनका लेडी ऑफ शैलोट, बिकॉज इस वर्क की हुई थी काफ़ी क्रिटिसिज्म, और जिसके बाद इनकी लाइफ में इनका जो लिटरेचर का साइलेंस पीरियड आया था, इन्होंने 10 ईयर्स तक कोई वर्क पब्लिश नहीं कराया था इस वर्क के बाद। जी हाँ, क्योंकि इसमें काफ़ी इनको क्रिटिसिज्म देखने को मिला था, आलोचना हुई थी। तो इस पोयम में टाउन जो मैंशन किया गया है वो कौन सा है पूछ रहे हैं, तो आंसर इज सी, कैमलॉट। ओके, लेडी ऑफ शैलोट बाय टैनिसन, टैनिसन का वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेडी ऑफ शैलोट। द क्वेश्चंस ऑफ विमेंस राइट एंड हर स्फीयर्स हैड बीन एजिटेटिंग द माइंड्स ऑफ मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम, टैनिसन एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन इट इन। तो विमेंस राइट की बात चल रही है, इन्होंने उठाया है ये मुद्दा द प्रिंसेस वर्क में अपने, के द प्रिंसेस में ये बात इन्होंने अपने व्यू एक्सप्रेस किए हैं। वॉट इज नोन टूडे एज द आइडियल्स ऑफ द किंग बिगेन इन 1842 विद द पोयम मॉटर डी अर्थर विच इज़ द लास्ट पोयम ऑफ द आइडल्स। जैसा कि कलेक्शन है आइडल्स ऑफ द किंग, एंड उसमें एक इनकी पोयम भी है 1842 में स्टार्ट हुई थी ये मॉटर डी अर्थर। तो पूछ रहे हैं कि इसका अब इसकी लास्ट पोयम कौन सी थी इसके कलेक्शन में, सो द आंसर इज़ बैलन। ठीक है, और जैसे कि आज जो इनका वर्क है व्हाट इज़ नोन टुडे एज आइडल्स ऑफ द किंग, एक इनका वर्क जो आज के समय में आइडल्स ऑफ द किंग से जाना जाता है, जो कि इन्होंने शुरू किया था लिखना 1842 में विद द पोयम मॉटर डी अर्थर से, उसी कलेक्शन की लास्ट पोयम कौन सी है, बैलन। ओके, When did the last poem of the idols appear? अब वो last poem appear कब हुई थी, 1885 में, so the correct answer is A, 1885। कैसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, डीप जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। तो आप ये ना सोचें कि ये हो आए भी नहीं आए, इंटरव्यू में आपके हेल्प कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। What is the general message that Tennyson gives through हिज पोइट्री, ऐसा कौन सा जनरल मैसेज अपनी पोइट्री के थ्रू देते हैं, सो द आंसर इज ए, फेथ एंड होप। लैंसलॉट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन, कहाँ मिलेंगी हमें ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है, सो द आंसर इज सी, आइडल्स ऑफ द किंग में ये हमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर लैंसलॉट मिलेगी। और इसी से हम ये भी समझ लेंगे टैनिसन का वर्क है आइडल्स ऑफ द किंग, और लैंसलॉट जो कैरेक्टर है टैनिसन के वर्क में मिलेंगी। बाकी जो कैरेक्टर है ये जो बाकी जो वर्क है यूलिसिस, लोटस ईटर्स, द प्रिंसेस, ये हमारे टैनिसन के ही हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टैनिसन जी के। द ओनली नाइट ऑफ द राउंड टेबल हु रिमेन्स अलाइव आफ्टर द पासिंग ऑफ अर्थर इज, ये क्वेश्चन उस समय का जो इंग्लैंड में जो था पॉलिटिक्स थी उससे बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेडिएवल, मेडिएवल। द ओनली नाइट ऑफ द राउंड टेबल, राउंड टेबल जो एक ओनली नाइट थे जो राजा थे जो उस समय रहे अर्थर के बाद भी, तो वो मेडिएवल करके थे। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, क्वीन विक्टोरिया का इंडिया कनेक्शन है, वी ऑल नो दिस थिंग वेरी वेल। इंडिया की एम्प्रेस, इंडिया में एम्प्रर वो कब बनी थी, 1876 में बनी थी स्टूडेंट्स, एम्प्रेस नॉट एम्प्रर। टैनिसन वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी 1850 में, और इसी साल इनकी डेथ हो गई थी, तो फिर इनके बाद ये उस समय पोइट लॉरियट थे, तो कौन बनेगा अब, तो टैनिसन बने थे, और टैनिसन भी टिल अपनी डेथ तक रहे थे। ठीक है, ये भी अपने टिल डेथ तक 1892 तक पोइट लॉरियट के पद पर बने रहे थे। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि टैनिसन किसके बाद बने थे पोइट लॉरियट, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेमोरियम टैनिसन मॉर्न्स द डेथ ऑफ,
बहुत ही सरफेस का क्वेश्चन है ये जो टेनिसन पढ़ रहे हैं। टेनिसन का वर्क है इन मेमोरियम, किसकी डेथ को इसमें ये विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं? तो आर्थर हैलम, जो कि इनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे, कि डेथ हो जाती है, सडन डेथ होती है, इनके दोस्त इनके पिछड़ जाते हैं, इन्होंने इनके लिए पोएम लिखते हैं ये, और इससे ये काफ़ी फेमस भी हो जाते हैं। इन मेमोरियम इनका बहुत मास्टरपीस वर्क माना जाता है। तो आर्थर हैलम की डेथ इसमें बताई गई है। हाउ मैनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन ब्रूडिंग ओवर एंड फिनिशिंग इन मेमोरियम? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको समझ के चलना है, कितने साल लिए इन्होंने इस वर्क को, इन मेमोरियम को लिखने के लिए, कंप्लीट करने के लिए? सो द आंसर इज 17 ईयर्स, 17 साल इसके काउंट होते हैं स्टूडेंट्स इन मेमोरियम के, क्योंकि आर्थर जी की जो डेथ हुई थी और उसके बाद जो ये पब्लिश हुई थी इन मेमोरियम, उसके बीच 17 साल का डिफरेंस था। 1833 में आर्थर हैलम जी की वियना में डेथ हुई थी और 1850 में ये पब्लिश हुआ था इन मेमोरियम, तो 17 ईयर्स इसके चले गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोइट्स इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू? इनमें से कौन से विक्टोरियन पोइट्स हैं? ये इनकी पोइट्री की क्वालिटी हमारे सामने आ रही है। अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है कि जो नए और नया पुराना जो भी मैटर्स होते हैं, थीम्स होती हैं, उसको कन्फ्लिक्ट पाया जाता है इनके वर्क में, वो हमारे टेनिसन जी ही हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूजिक दैट जेंटल ऑन द स्प्रिट लाइज देन टायर्ड आईलिड अपॉन टायर्ड आइज। ये है हमारे कोटेशन और ये लाइंस आई हैं कहाँ? टेनिसन की लाइन है, इन्होंने इतना तो बता दिया क्वेश्चन में, टेनिसन के ये वर्क है तो किस में है, ऐसा करके इन्होंने पूछा है। तो आंसर इसका है स्टूडेंट्स द लोटस ईटर, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है लोटस ईटर, जिसका ये लाइंस है। लोटस ईटर्स जो इनका पब्लिश हुआ था 1832 में स्टूडेंट्स पब्लिश हुआ था। ओके, और इसकी जो लाइन है म्यूजिक दैट जेंटल करके टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। कोटेशंस वाइज क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े ज़्यादा टफ होते हैं लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट होते हैं वो। टेनिसन्स पोएम अबाउट वुमेंस राइट एंड वुमेंस स्फेयर, अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, वुमेंस राइट वुमेंस स्फेयर की बात किस पोएम में करी है? सो अगेन द प्रिंसेस में इन्होंने करी है। द प्रिंसेस पब्लिश हुआ है 1847 में स्टूडेंट्स। अगेन मॉड, इन मेमोरियम, आइडल्स ऑफ द किंग भी इन्हीं के ही इंपॉर्टेंट वर्क है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के। टेनिसन्स यूलिसिस इज क्या है ये इनका जो वर्क है, एक जो इनका यूलिसिस जो वर्क है, तो इसमें देखिए ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अ पोएम एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। ओके, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ मॉर्बिड पोएम, और अ पोएम मेकिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ सटायर। इसका आंसर की डिटेल्स भी इसलिए लिखी गई ताकि हम इसे और अच्छे से समझ सकें। तो आंसर तो इसका डी है कि जो करेक्ट है वो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 है, कि ये जो पोएम है एक्सप्रेस द नीड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। टेनिसन यूलिसिस जो पोएम है जो कि 1842 में पब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स, एंड अ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यूलिसिस इज अ मॉडर्निस्ट नॉवल बाय आयरिश राइटर जेम्स जॉयस। इट वॉज फर्स्ट सीरियलाइज्ड इन द पार्ट्स इन द अमेरिकन जर्नल द लिटिल रिव्यू 1918 to 1920। देखिए ये नॉवल इसलिए इन्होंने ये डिटेल लिखी है कि हमें इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये इनका नॉवल भी एक आयरिश राइटर जेम्स जॉयस है, उनका ये नॉवल वर्क है, और सेम हमारे यूलिसिस सेम टाइटल से इनकी ये पोएम वर्क है, तो इसलिए ये डिटेल हमको रखनी है माइंड में अपने की ये भी है। अदरवाइज यूलिसिस इनका जो वर्क है, हमारे टेनिसन जी का जो पोएम है ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो 1842 में वो पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इनमें से इनका कौन सा जो वर्क है जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है स्टूडेंट्स, देख लेंगे इसका आंसर हम। ऑप्शन डी टाइटोनस, ये जिनका वर्क है टाइटोनस, ये ही है इनका एक ड्रामेटिक मोनोलॉग वर्क जो कि पब्लिश हुआ था। द पब्लिशिंग ईयर ऑफ दिस वर्क इज 1860 में ये पब्लिश हुआ था। अगेन इन मेमोरियम, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड एंड क्रॉसिंग द बार भी हमारे टेनिसन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के इंपॉर्टेंट वर्क है। बाय द एंड ऑफ इन मेमोरियम द स्पीकर क्या कह रहे हैं इसमें, जो हमारे स्पीकर हैं जो पोएट हैं इन एंड में, सो इसका आंसर स्टूडेंट्स है ए, री एम्ब्रेसिस अ क्रिश्चियन विजन ऑफ आफ्टर लाइफ।
आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद क्रिश्चियन विजन होता है, उसको रिएम्ब्रेसेस करते हैं इन मेमोरियम में। ये जैसे कि इनके फ्रेंड एर्थम हैलम की डेथ पे उन्होंने एक एलर्जी लिखी है इन मेमोरियम, एलर्जी फॉर्म में लिखा गया है, तो इसमें ये रीएम्ब्रेस अ क्रिश्चियन विजन ऑफ आफ्टर लाइफ एंड में इसको डिस्क्राइब करते हैं। इन मेमोरियम वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में इन्होंने लिखा है, बार बार मैं बताई रही हूँ, आर्थर हैलम, A.H. हैलम ही करेक्ट आंसर है। इनसे ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मिले थे अपने कॉलेज के टाइम। आइडेंटिफाई द पोएम रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन विच कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन, कोटेशन या लाइन से क्वेश्चन बना है इस बार, एंड टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। तो ये किस वर्क का इनका क्वेश्चन है? सो द आंसर इज बी, यूलिसिस। यूलिसिस का है 1830, यूलिसिस जो पब्लिश हुआ था 1842 पब्लिशिंग ईयर है, और उसकी ये लाइन है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, रिंग आउट द ओल्ड रिंग इन द न्यू। ये इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन से काफ़ी फेमस है, रिंग आउट द ओल्ड रिंग इन द न्यू। जैसे कि अभी मैंने बताया भी था पीछे, जो एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आया था ना, ओल्ड एंड न्यू का मिक्सचर मिलता है, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये पूछ रहे हैं ये लाइन हमें कहाँ मिलेगी, सो द आंसर इज़ इन मेमोरियम टेनिसन। ठीक है, टेनिसन के दो हैं, लेडी ऑफ शैलोट भी टेनिसन का ही लिखा है, पर नहीं, इन मेमोरियम की ही ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन फेमस एलर्जी, फेमस एलर्जी इनकी कौन सी है? मैं बार बार बता रही हूँ, एलर्जी इन्होंने लिखी है इन मेमोरियम, किसी की दुख में, किसी की मृत्यु में, शोक में लिखते हैं, वो एलर्जी होता है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री जो कि एलर्जी है, वो इन मेमोरियम है अल्फ्रेड टेनिसन जी का जो वर्क है। द लोटस ईटर वॉज कम्पोज्ड बाय, लोटस ईटर किसका वर्क है? ये सरफेस के क्वेश्चन जा रहे हैं हमारे, वर्क से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पे हमें ईजी लग रहा है क्योंकि हम यहाँ सारे टेनिसन पढ़ रहे हैं, बट ये अगर हम एग्ज़ाम में देखें तो आपको इसको आना ही चाहिए। लोटस ईटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, 1832 इसका पब्लिशिंग ईयर है, वर्क है हमारे अल्फ्रेड टेनिसन जी का, विक्टोरियन पोइट है, इंपॉर्टेंट विक्टोरियन पोइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेनिसन फ्रेंड आर्थर हैलम, आर्थर हेनरी हैलम डेड एट, तो इनकी मृत्यु हुई थी वियना में हुई थी, और देखो इनका फुल नेम भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जो A.H. हैलम लिखा होता है, तो A.H. यानी आर्थर हेनरी हैलम इनका फुल नेम है। ओके, आर्थर हेनरी हैलम, और वियना जो हमें प्लेस याद रखना है जहाँ इनकी डेथ हुई थी हेलन जी की। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरियट इन, अगेन पोइट लॉरेट इनको कब अपॉइंट किया गया था, मैंने आपको कनेक्ट करके बताया था आंसर 1850 है इसका आंसर, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के बाद ये पोइट लॉरेट बने थे, और वर्ड्सवर्थ की डेथ 1850 में हुई थी, तो यही साल था इनके पोइट लॉरेट बनने का। और ये कब तक बने थे, तो ये अपनी डेथ तक जो है पोइट लॉरेट रहे थे, जो कि इनका जो साल है, डेथ ईयर है, दैट इज़ 1892, और हमारे जो टेनिसन का बर्थ ईयर है 89 से लेकर 1892, तो 92 तक ये रहे थे फिर क्या पोइट लॉरिएट स्टूडेंट्स। कैम्ब्रिज में कब गए थे ये? कैम्ब्रिज में जो ने एडमिशन लिया था एजुकेशन के लिए 1827 में लिया था। इन मेमोरियम इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, अल्फ्रेड टेनिसन, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, फर्स्ट बैरन ऑफ टेनिसन, ये सब इनके इंपॉर्टेंट नेम है। आर्थर हैलम जी की जो डेथ हुई थी 1833 में होती है, और उसके बाद 17 साल लग जाते हैं इनको इन मेमोरियम लिखने में, उसके बाद 1850 में इन मेमोरियम पब्लिश होता है, जो कि एक क्या है, एलिजी वर्क है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्लियर करे आज के इस लेसन में टेनिसन जी के। इनकी बायोग्राफी पॉइंट भी बन चुके हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लगभग 50-60 पॉइंट्स हैं, वो भी आप देख लेंगे, और भी इनके एमसीक्यूज आएंगे तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।